ब्राह्मण रुद्र सुनकांग आपको सुनाएंगे, ये तो बेकांग है। ग्रीव कंठी माला सुमरणी सब सलसला मेहते कनफूका गुरुआ में लह जो जन मारी फेंट। कनफूका जो कान में फूक मारनी है पाव है ना, अकबस किससे मंत्र बता दिया जकर ना करिए, वो चैसला नौ कह देगा एक बकरा गुगा माली का चढ़ा दिए और बताइए मतना, वो कनफूके होते हैं। ग्रीव कंठी माला सुमरणी पैरे ते क्या हो ये ऊपर डूंडा साध का भाई अंतर राख्या खोए। ऊपर तो डाडी बढ़ाली सर जटा बढ़ाली लटा डाडी बढ़ाली लाल कपड़े कंठी माला तिलक बाया में भी माला और हाथ में लोटा करमंडल और सारा सौदा साधु बना बन गया। ग्रीव कंठी माला सुमरणी पैरे ते क्या हो ये ऊपर डूंडा साध का तन अंतर राख्या खोए। भीतरले में व्यवस्था नहीं बनी नाम के बिना जाप के बिना और ऊपर तो भाई ये पाखंड ते कोई लाभ नहीं होगा। अब मैं ये कपड़े लाल भी पैर लूं और माला भी गाल लूं तिलक भी ला लूं ढाडी बढ़ा सकूं क्यों सबका बढ़ाया तो फिर मैं साधु पूर्ण रूप से कवाऊंगा। आम आदमी मान लेगा साधु जास है और हम ऐसे ढंग से रहते हैं कि कतिनो भी निगम साधु सा का साधु है। अगला ट्रनाटन परख कहने देखेगा साधु सहगा साधु सोबा प्रश्न करेगा सोबा पूछेगा फिर भी नहीं हो रहा कि साधु ना और फिर पूछेगा और जब उसके सौ काम सर जाएंगे जब आप साधु मान लेगा कहा कि मैं तो सह जरूर। तो ये रिहर्सल अच्छी लगी हमने, नहीं तो 90% आदमी तो भेष न देखा पा बैठेंगे जो आप कहोगे महाराज ठीक। क्यों हमारे अंदर भावना अच्छी है और होनी भी चाहिए साधु के प्रति। ग्रीव कंठी माला सुमरणी जीवत मारे काठे मुए कहो कित जावेंगे फिर हाके जमकी पाटे। जिंदा जी तो पाखंड करेंगे मरे पाछा फिर काल जोड़ देगा को लोग हैं अगले तुम्हारा लग्या रहे। ग्रीव कंठी माला सुमरणी जग में पड़े फिरा के सतगुरु शब्द न माने ही लकड़ी सु क्या साखो। सतगुरु की बात नहीं मानते पर मनमुखी साधना सब करते हैं। एक मेरे को मिला इतनी लंबी माला उसकी जो नौ कर रहा था जब धरती में टकरी थी मतलब छह उंगल ऊंची होगी और काट के मणिया की मोटी मोटी और देखा नहीं उसका नहीं ना नाम जपे अरे उसने नो घुमा नो और वकील तो बात करने लाग रहा। मैं जब महाराज की शरण में आया था मैंने सोचा बड़ा अच्छा साधु दिखे है भाई तो मन डेरा और बतलावा दूसरे थे वो जब उस तक बात होली मैंने नमस्कार करी अखा बच्चा सुना मैं बोला ये माला क्या खातर फेरो स्वाप है क्या खातर फेरा करे माला माला भगवान पान खातर के नाम जपो हो बोला नाम के उसे भगवान के नाम नहीं होता उसका होता नाम ही है फिर मैं माला क्या फिर बोला चल अपना काम करे 151 फेर नहीं मना दिए। कबीर साहब कहे माला फेरे मुक्ति हो तो मैं फेर दो सतीर एक का बतेरा तड़के करोड़ों माला बन जाती है अरे तेरा भला हो। तो उनके लिए सतगुरु महाराज ने कहे इन अनजाना में डोग रखा सारा साधन। कबीर कंठी माला सुमरणी जग में पड़े खरा हाके सतगुरु शब्द न माने ही फिर लकड़ी से क्या साख। ग्रीब कंठी माला सुमरणी फिर टीका टुरमन टाले छापे तो छाती दिए या जब घाली घाल। उन्हें तो महाराज कह या घाल से या तेरा कया लेगा डूबेंगे ये पाखंडी या घाल से असली घाल या से चल दी फिर दी कि ना तुम दो वस्तु ना साधन और अनजान आदमी उसके सजा चपटेंगे किसी ने कहेंगे नो करिए सांझ ने एक शराब की बोतल पहुंचा दी ले तेरा भोग ला दूंगा। इसे इसे मैंने कई फेटे। एक दिन मैं रेल में बैठा जान लाग रहा सतकर मानी झूठ नहीं बोलता। जब मैं महाराज की शरण में आ गया था हमारा कौशली की तरफ में काम चला करता तो शाम का समय हो गया उसमें बैठा मैं अपना वजन कर रहा जो हमारा साधन ऐसा किसी ने पता नहीं वजन कर रहा क्यों बैठा। उसमें दो लाल कपड़े आड़े जवान से छोरे और ढाडी बढ़ारे आरा बैठे एक कान पड़वा रहा एक नहीं पड़वा रहा। उन्होंने बोला जो कान पड़वा रहा था बोला कौन सा पंथ तो है तू। उसने भी बताया मेरा याद नहीं रहा कुछ पंथ था। अच्छा अच्छा बोला तने बेरा ना हम कन पाड़े। हाँ बोला हाँ कन पाड़े। बोला हम सबसे श्रेष्ठ होते हैं। उन्होंने बोला हाँ जी आप मारे तो दाद सो मारे पंथ ने। बोला ठीक है
कदे तो सोचता हो ना जी ना, मैं बोला ठीक सोचो। नो बोला काल की एक मौज बताओ, बोला बता। नो बोला एक भगत जी एक बोतल ले आया, अक महाराज जी मारा भोग ला दिए। मैं बोला भाई एक बोतल तो भोग पूरा ना हो, हम तो एक बोतल कई बार पीवा हम जन्मा का। नो बोला जी मेरा ताज एक का गांव से। बोला चल किसी और न पकड़ांगे। हमने बोला बोतल पी थी इतना एक और आ गया। हाँ भाई महाराज जी मारी महसूस ना गंदी। नो बोला एक बोतल और ला फटाफट, एक हो लिया हम चार दिन थे। बोला टन हो गए। नो बोला जा तड़के दूध गंदी पावगी, किसी दूध दे थी वह, मतलब उनका अपना विश्वास था। नो बोला भाई फिर भी मतलब सुबह चार बजे से आंख खुली, नशा उतर गया, 100 रुपये की चलम भरी। और भाई जब टन खोपरी हुई फिर दो बोला बवारी उठा। उन्होंने बोला जी कल मारा भी सूत बैठ गया था दूसरा बोला। बोला क्या हुआ? बोला मैं फलाने गांव में जा रहा था और मेरा गुरु भाई रहे से मिला और उड़ा हाथकट धर रहा दो बोतल। उन्होंने बोला चल भी तरह कुटिया में। बोला फिर गुफा में ले गया। उन्होंने बोला मार घूट साइड देसी कदे को आ जा सेवा काटा नौके भीतर दारू पीवा पी का दारू आराम छक्का बाहर आए। बाहर आकर ने बोला सुल्फा और पीले। ने बोला ये दो जोड़े हाथ मारेगा जीत है, हम नहीं पींदे सुल्फा। बोला सुल्फा फिर हमने रोटी राटी खाए पास तड़कला उसी पिया। अब नो बताओ उनके उसके वेशभूषा ने देखा है तो वो साधु आदरणीय और पूजनीय, और उनके लक्षणा ने देखा है तो बंदी छोड़ महाराज ने उनको ऐसी ऐसी बात कह रखी है जो कति कहण जोगी थी। गरुआ मेले जाने भावन भेद, ये जमके हलकारे फेरे हाथा में लिए वेद। ये जमके काल के हलकारे यानी बुलावे, और हाथा में वेद यानी ये ज्ञान की किताब ले हंडे सा। और वेद ज्ञान नहीं है। ग्रीब हलका ग्रीब कनफू का गुरु नामे लो भाई देऊ तीन तलाह के, बड़ी फजर प्रणाम करे है जड़ में देकर आक। ग्रीब कनफू का गुरु बहुत है अनगिन कोट अनंत, साधु होकर नाम लवे है सो सतवादी संत। ग्रीब कनफू का गुरु काले है यू फांसी देवे अड़ाए, मारत है मैदान में फिर छलबल बहुत बनाए। ग्रीब कनफू का गुरु काले है गुरु का धरा स्वरूपे, या मैं मीनन मेखे है जैसा संबल रूख। कितना अच्छा प्रमाण गुरु महाराज देते हैं गरीबदास जी के, आम मानना यू संत है और उसकी पूजा करा आराधना करा बाखिरताई सारा काम करते हैं, वस्तु हासिल कुछ नहीं होती। संबल के वृक्ष पे क्या होता है कि बहुत सुंदर पेड़ हो सा, आप देखो कभी संबल के वृक्ष को। हमने देखा नकलोई गांव में हम पाठ करने जा रहे थे, वो थोड़ा सा आधा किलोमीटर रहने कोने पकड़ा है अभी, और उसके इसे सुथरे फूल नुचाला पाट रहा गुलाबी गुलाबी लाल लाल से रंग के बहुत सुंदर। अब उसके फल अभी लगे नहीं थे, फल लगे जब और सुंदर होंगे, यानी बहुत सुंदर फल लगे उसके। और उसमें सुआ पक्षी तोता बैठ जाता है कि मैं इसने पके पाछा खाऊंगा। और जब वो मुंह चोंच मारे से पहले ताश में रहे से उसकी भाई अपना लेता मेरा पेड़ से, और जब उस फल को खाता है तो वह चोंच उसकी उसकी रुई में भर जाती है, उसमें कपास होती है, उसने जान बचानी भी मुश्किल हो जाता होता क्यों अच्छा जोर तो मारा कर अच्छा फल सही हो पक्या हुआ तो उसने जान बचानी मुश्किल हो जाओ खाना चाहता था उसको फल को। तो ऐसे वो संत है जिनकी हम साधना उपासना कर रहे हैं, संत मान के आखिर में उनते यू फल मिलेगा। ग्रीबे कनफू का गुरु काले है गुरु का धरा स्वरूपे, या मैं मीन न मेखे है जैसा संबल रूखे। ग्रीब कनफू का गुरु काले है यू आया भेष बना ये, तन पर द्वादश तलक है और सब जग गया पिताय। 12 तिलक ला रहा हो क्योंकि सारे जगत के भाग्या मन में पिताया मतलब प्रतीत होगी विश्वास हो गया सबके मान के कहा साधु से भाई। ग्रीब कनफू का गुरु काले है ग्रीब कनफू का गुरु काने में मारी फूक बटम्बे, जैसे फूटी नावे में फिर डूब्या सकल कुटुंब। ऐसे संत की शरण में इस प्रकार वो परिवार है जैसे फूटी नाव में कुणबा बैठ जा और वो बेचारा जाने डूब जावे। ऐसे साधुओं के
शरण में ऐसा उनको लाभ होता है। गरीब ये क्षण में पाखंड है जो को लुका फेरे, काजी पंडित बैले हैं दरड़ गंडीरी गेर। के ये क्षण प्रकार के पाखंड बताए, कोई झाड़ा लानिया, कोई किम्मे करनिया, नो कह ये सब कोलू के साफेर सक माए पीट दे सुसागले ने भी खत्म कर देते हैं। आपने पुराने प्रमाण सुने होंगे जो कि महर्षि दानंद जी ने और कई संतों ने प्रमाण दिया कि एक समय ऐसा विचार चला था यहां पर मेरे जैसे ढोंगिया ने कि इन भोले भाले जीवों को कह दिया कि दान करो धर्म करो, वो दान भी करते धर्म भी करते, तेरा बाप न्यू से तेरी मां न्यू से, वो कति कंगाल कर देते और फिर भी नो कह है कि भाई कोई बात नहीं बनी तो क्या करते, काशी में एक करोत लगा हुआ है वहां अपनी जान दे दे स्वर्ग में पहुंच जाएगा, नो कह वहां नाड़ और कटवा दिया करती थी। तो ये गरीबदास महाराज कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे संतां की शरण में सदा कुटुंब डूब जाता है। और ये कोल्लू कैसा फेर से यानी उसमें दृढ़ गंडीरी गेर, और वह गेर के वह दृढ़ दी गंडीरी यानी उसकी तरह पीड़ के उसमें खत्म कर दिया जाता है वो जी। जो अनजान अंधे गुंगे गुरु घने ये लंगड़े लोभी लाख, और साहेब से परिचय नहीं फिर का भी बनावे साख। गरीबदास जी महाराज के बेखा के लश्कर फिरे, बेखा के और निरे पंथ चाल रहे, बेखों के लश्कर फिर ये बाणी चोर कठोर, और सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। बाणी कबीर साहब की, गरीबदास जियों की, गीसा साहब की, दादू साहब की, नानक साहब की, और जितने भी रविदास जियों की, अच्छा और मतलब मंत्र अपना, मंत्री नाला नहीं, नाम वो नहीं, नाम अपना। तो कहते हैं ये लेकर डूबण के पंथ है। गृह जड़ पाहन पो जाकर जड़की बाजे टाले, साक्षी सत कबीरे हैं या पोजा घर घालो। अब एक भाई ने मेरे से प्रश्न किया, पूरी होगी सभी संगत ध्यान से सुने, एक घंटे की बात पौने घंटे की बात रह गई है, ध्यान से। ये समय आपका बहुत अनमोल है और बड़े भाग से उपलब्ध होगा, ये जन्म न्यू चला जाता है सभी का, दो दिन का जीवन है, इसको विशेष ध्यान से सुनोगे जब बात बनेगी। अब कहते हैं गरीबदास जी महाराज के बंदी छोड़ कबीर साहब ने, बंदी छोड़ कबीर साहब ने हमें ऐसा ज्ञान दे दिया कि ना तो ये उरली बात सुहांदी है, और जो किसी ने बतावा तो किसी के दसती नहीं, महाराली बात सारी ओपरी ओपरी समझे से क्यों समझे हैं। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी ही सब जग आने अड़ी, सब घट आने अड़ी, भाई किस किस ने समझाई ये या कुए भांग पड़ी। अब कुए में भांग काल में गिर रखी से माया रूपी, और जिसमें वह भांग पी ली वाहे बोली बोले, यानी शराबी चाहे 50 कट्ठे हो रहे हो, अब उनने कोई लागे समझान तो वाहे बोलेंगे, न कहेंगे हम राष्ट्रपति महेश हूं थोड़ी आर में कह रहा डट जा एक लो देखू तने। यानी जिनके माया का नशा हो चुका है नौके उन्हें क्यों कर समझावा, उन्हें यह चीज अच्छी लागे बेटे जदाद औलाद रिश्तेदार कार कोठी और बंगले, इन तैनारी सूझ देनी नो रोज बेरा काल एक आदमी मर गया और एक्सीडेंट मर, ओहो मेरे यार दो छोरे थे और एक छोरी थी ब्याही थी और भाई न्यू कार थी कोठी थी, और हम उस पर अफसोस करते अपनी चिंता नहीं, तो बंदी छोड़ने कह रहे तेरा बुलाओ, ये भी न क्यों कर समझावा फिर दूसरा फिर वो बोली।